सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए। नमस्कार, मैं राणा यशवंत द फ्रंट पर आपका स्वागत करता हूं। एक आदमी दुनिया जीतने निकलता है और जब ताज बिल्कुल पास होता है उस वक्त उसकी राह पलट जाती है, किस्मत दगा दे जाती है। ऐसा दूसरी बार होता है, तीसरी बार होता है, चौथी बार होता है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि दुनिया जीतने के लिए निकले हुए आदमी के इस तरह के बड़े अभियान पर तख्तो ताज का यूं सामने से निकल जाना कितना तकलीफ़देह होता होगा, कितना तोड़ता होगा उसको। लेकिन हिंदुस्तान की एक ऐसी बेटी है जिसको बार बार की ऐसी नाकामियों ने तनिक भी नहीं तोड़ा, बल्कि उसका हौसला फौलादी हो गया और जोश चट्टानी। नतीजा ये है कि हिंदुस्तान की उस बेटी ने दुनिया जीत ली है। अब वो सिकंदर है, अब वो विश्व विजेता है, पीवी सिंधु। हिंदुस्तान की बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु ने वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीत ली है, गोल्ड मेडल जीता है। जो सुनहरे पर होते हैं वो सिंधु को लग गए हैं और समूचा हिंदुस्तान उन पर नाच कर रहा है। ढेरों बधाइयां जा रही हैं, प्रधानमंत्री से लेकर के संतरी तक सब उनको बधाइयां भेज रहे हैं। पीवी सिंधु ऐसा करने वाली हिंदुस्तान की इकलौती और पहली महिला खिलाड़ी हैं। इससे पहले कभी नहीं हुआ वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप किसी हिंदुस्तानी प्लेयर ने जीती हो। पीवी सिंधु ने ऐसा किया। आप देखिए कि 2017-2018 पिछले जो दो साल गुजरे हैं उन दोनों वर्षों में पीवी सिंधु इसी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची, लेकिन हारी। इस बार नोजोमी ओकुहारा, जिनको उन्होंने हराया है, उनसे फाइनल में 2017 में पीवी सिंधु हारी थी। बात इस बार बराबर, हिसाब बराबर। इस बार उस प्लेयर को हरा करके चैंपियन बनी है पीवी सिंधु। और यही नहीं, बल्कि 2013 और 2014 में ब्रॉन्ज मेडल यहीं से लेकर लौटी थी। यानी कि 2013-14 में ब्रॉन्ज मेडल, 17-18 में सिल्वर मेडल लेकर लौटने वाले पीवी सिंधु ने 2019 में हिंदुस्तान के लिए गोल्ड जीता। इसको कहते हैं फौलादी जुनून, चट्टानी जज्बा। ये उनका जुझारूपन है, ये संघर्ष है, ये संकल्प है कि नहीं, मुझे चैंपियन बनना है। और पीवी सिंधु इस बार चैंपियन बनी। लेकिन आप पीवी सिंधु को देखेंगे तो जिस तरीके से वो प्लेयर हैं, मैं बहुत पसंद करता हूं उनको, जो गेम है उनका, जिस तरीके का है, बहुत एग्रेसिव है। लंबी कद की हैं और बार बार कोशिश करती हैं ओपोनेंट पर हावी रहने की। और उनकी इस हावी रहने की फितरत ने मेरे जैसे बहुत सारे उनके फैन पैदा किए हैं। आप इस मैच को अगर नहीं देखा होगा तो आप देखिएगा जरूर। नोजोमी ओकुहारा पर लगातार वो अपने पैरों का इस्तेमाल करके और अग्रेसिव रही, हावी रही। यह जो गेम है, देखेंगे आप पीवी सिंधु खेलते हुए तो बार बार जब स्मैश करती हैं तो आवाज़ लगाती हैं, चीखती हैं। पहले ऐसा नहीं था, बल्कि वो बहुत शांत स्वभाव की इंट्रोवर्ट लड़की रही हैं। लेकिन जब वो पुलेला गोपीचंद, जो हिंदुस्तान के बैडमिंटन प्लेयर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के और बेहद कामयाब प्लेयर रहे हैं, वो उनके कोच हैं, जब उनके पास आई पीवी सिंधु सीखने के लिए, तो पुलेला को लगा कि प्लेयर बहुत अच्छी है, शानदार है, इसके पास वो सारे हुनर हैं कि चैंपियन हो सकती है। लेकिन ये शांत रहती, इसको पता ही नहीं चलेगा कि इसके भीतर जज्बा है, जोश है, जुनून है, जीतने का मादा है। इसके लिए उन्होंने कहा कि तुमको हर बार चीखना पड़ेगा, जब भी स्मैश लोगी तो चीखना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हें तुम्हारा रैकेट उठाने नहीं दूंगा। पीवी सिंधु बहुत परेशान हुई, कई दफ़ा रोई भी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी आदत में इसको डाल लिया। और आप देखेंगे जब भी स्मैश लगाती हैं दुश्मन पर, यानी विरोधी पर हावी होती हैं, तो चीखती हैं। इस चीख से उनको ताकत मिलती है और जीतने का जो जज्बा है उनके भीतर वो पैदा होता है। और इसने उनके भीतर एक अलग तरह का प्लेयर, एक अलग तरह का पीवी सिंधु पैदा किया। यही नहीं, जब 2016 में रियो ओलंपिक्स थे तो पीवी सिंधु ने देश के लिए सिल्वर जीता था। पीवी सिंधु को दुनिया की बेहतरीन खिलाड़ियों में माना जाता है। हिंदुस्तान के पास अगर दो महिला खिलाड़ी आज हैं, साइना नेहवाल और पीवी सिंधु बैडमिंटन में, तो ये दोनों खिलाड़ी
बेहतरीन हैं। आप किसी को किसी से कमतर या बेहतर नहीं आंक सकते हैं, लेकिन दोनों ने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। पीवी सिंधु ने अपनी इस जीत को माँ को गिफ्ट किया। संयोग देखिए कि माँ का बर्थडे था और बेटी ने दुनिया जीती। इससे बेहतर कोई और संयोग क्या हो सकता है। पीवी सिंधु को हैदराबादी बिरयानी बहुत पसंद है, हैदराबाद की हैं और बिरयानी जब भी मिलती है पेट भर खाती हैं। वैसे फिटनेस के लिहाज से, खेल के लिहाज से, परफॉर्मेंस के लिहाज से उन्होंने बिरयानी को लगभग अपने से दूर कर दिया है, लेकिन जब कभी भी जी बहुत हो जाता है और लगता है कि अब मन को नहीं मारा जा सकता है तो बिरयानी खाती हैं। वैसे मध्यम वर्गीय परिवार की पीवी सिंधु ने हिंदुस्तान के लिए जो नाम कमाया है और देश का तिरंगा जिस तरीके से आसमान में फहराया है, उसने बताया है कि हिंदुस्तान की बेटियों में बहुत दम है और वो हिंदुस्तान के नाम को आसमान में सुनहरे अक्षरों में बार बार, हजार बार लिख सकती। पीवी सिंधु उन्हीं सुनहरे परों वाली बेटियों में से एक है। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए।